डॉक्टर अमित, ये समय पता चल जाता है, आपने बताया लास्ट वीडियोस में कि व्हाट ऑल टेस्ट बी डन, डायग्नोस हो गया। अब एक वर्ड आपने लास्ट वीडियो में यूज किया, स्टेज। ये बहुत कॉमनली वर्ड यूज है बाय द डॉक्टर्स, बाय द ऑन्कोलॉजिस्ट, स्टेजिंग। बट ब्रेस्ट कैंसर स्टेजिंग है क्या, ये प्लीज व्यूअर्स को बताइए। यस, सो अनफॉर्चुनेटली हम अपने एज अ डॉक्टर जब हम डिस्कशन करते हैं तो बड़े सारे टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं, ये हमारी आदत है। पर ये एक पेशेंट के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, साधारण भाषा में समझ में आता है। वैसे भी जब डॉक्टर ये वाला कैंसर की बात करता है तो ज़्यादातर पेशेंट आधे बेहोश होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा होता है कि मर गए। एनीवे, फन पार्ट या ये डिस्कशन पार्ट अलग, स्टेज। सो हम बीमारी को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर। स्टेज वन सबसे कम बीमारी, स्टेज फोर सबसे ज़्यादा बीमारी। अलग अलग स्टेज में हमारे चांस ठीक होने के अलग अलग हैं, अलग अलग स्टेज में हमारा इलाज फर्क है। पहली स्टेज जब बीमारी सिर्फ ब्रेस्ट में, ये एक मोटा मोटा डिस्क्रिप्शन है, जरूरी नहीं है कि डिस्क्रिप्शन एग्जैक्ट हो। सेकंड स्टेज जब हमारी बीमारी यहाँ से आके साइड में बगल में आ गई, दैट मीन्स एक्सिलरी लिम्फ नोड। इसलिए बोला गया था कि अगर आपको बाई चांस डीप ब्रेस्ट लंप है और आपको यहाँ ब्रेस्ट यहाँ पे लंप फील होता है, That is also a possible symptom of breast cancer. Third stage, अगर यहाँ गर्दन में आती है या हमारे सामने की जो बोन है उसके अंदर की तरफ आती है तो उसको हम स्टेज थ्री बोलते हैं। ये वो एरिया है जो सारे के सारे ब्रेस्ट और ब्रेस्ट के ड्रेनिंग एरियाज है, यहाँ से इधर या यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, ये सब ब्रेस्ट से कनेक्टेड एरिया है। इसका मतलब है बीमारी या तो ब्रेस्ट में है या ब्रेस्ट के आसपास है। स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, फर्स्ट स्टेशन, सेकेंड स्टेशन, थर्ड स्टेशन, जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट। स्टेज फोर मीन्स अब ये बीमारी अपने मेन ऑर्गन ब्रेस्ट से हट गई है, जैसे कि लंग्स, जैसे कि लिवर, जैसे कि बोन्स, उसको हम टेक्निकली स्टेज फोर बोलते हैं। ऐसा करने से हम पेशेंट को आइडिया, अपने मन में आइडिया लगाते हैं कि हमारी डिसीज का क्वांटम क्या है, कम, थोड़ी ज़्यादा और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, इसको हम स्टेज बोल देते हैं। कम बीमारी ऑब्वियसली बेटर है, कम बीमारी में ठीक होने के चांस 95% 96% हो सकते हैं। कम बीमारी में हो सकता है सिर्फ सर्जरी से काम चल जाए, कम बीमारी में हो सकता है इलाज का ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट हो, कम बीमारी में हो सकता है कि आपकी टोटल ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ड्यूरेशन कम हो। सो दिस इज द बेस्ट स्टेज टू पिक अप, सेइंग कि अगर लंप हो तो आप अपने कैंसर फिजिशियन को जरूर दिखाएं, कंपल्सरी है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगा 1 to 2, 2 to 3 and 3 to 4 सर्जरी के चांसेस कम होते चले जाएंगे और ट्रीटमेंट जैसे रेडिएशन, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड ड्रग्स एंड कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट बढ़ता चला जाएगा। सो हमारे लिए बेस्ट ये है कि हम बीमारी को स्टेज वन में पकड़ें, केयरफुल रहें, होपफुली नेवर इन अ स्टेज थ्री and definitely never ever in a stage 4 problem. This is एक rough idea staging के बारे में। Grade एक अलग चीज़ होती है, grade biopsy में बताया जाता है, grade staging नहीं होती। Grade ये बताता है pathologist जब microscope के अंदर tumor को देखता है तो उसको light grade 1 cancer दिखता है, slow speed का, जो कि stage 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, या very high speed का cancer दिखता है grade 3, वो स्टेज 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, और समवेयर इन बिटवीन ग्रेड 2। आपके लिए ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके लिए स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 इन्फॉर्मेशन है। ब्रेस्ट कैंसर की बायोप्सी में इसके अलावा हम और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन खींचते हैं, उसके कॉम्प्लेक्सिटीज में ना जाए तो बेटर है। बट हाँ, स्टेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह आपको अपनी बीमारी की मात्रा के बारे में बताता है, कम होते हुए इलाज के बारे में बताता है अर्ली स्टेज में, और आपके बहुत ठीक होने के चांस के बारे में बताता है अगर ये अर्ली स्टेज है। दिस इज द स्टेज अगर कैंसर को हम पकड़ना चाहेंगे, नॉट द लेट स्टेज, नॉट व्हेन इट इज टू एडवांस्ड। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर अमित।